सिलसिला आलिया कादरिया रजविया अतारिया के अजीम बुजुर्ग हजरत सरी सकती रहमतुल्लाही अलैह के फरामीन इरशादाते हजरत सरी सकती रहमतुल्लाही अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم ارشادات حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ دعائے اتار یا رب المصطفی جو کوئی 15 صفحات کا رسالہ بنام ارشادات حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے اسے برے خاتمے سے بچا اور اس کی اس کے ماں باپ کی سارے خاندان کی बेहिसाब मगफिरत फरमा आमीन बिजाहि खातमिन नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की फजीलत हजरत अबुल मुज़फ़्फ़र मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खय्याम समरकंदी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं एक रोज रास्ता भूल गया, अचानक एक साहिब नजर आए और उन्होंने कहा मेरे साथ आओ। मैं उनके साथ हो लिया, मुझे गुमान हुआ कि यह हजरत खिजर अलैहिस सलाम है। मेरे इस्तफसार यानी पूछने पर उन्होंने अपना नाम खिजर बताया। उनके साथ एक और बुजुर्ग भी थे, मैंने उनका नाम दरियाफ्त किया तो फरमाया ये इलियास अलैहिस सलाम है। मैंने अर्ज किया अल्लाह पाक आप पर रहमत फरमाए, क्या आप दोनों हजरात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है? उन्होंने फरमाया हाँ। मैंने अर्ज की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ इरशाद पाक बताइए ताकि मैं आपसे रिवायत कर सकूं। उन्होंने फरमाया कि हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़े उसका दिल निफाक से इसी तरह पाक किया जाता है जिस तरह पानी से कपड़ा पाक किया जाता है। नीज जो शख्स सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता है तो वो अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाजे खोल लेता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक बुजुर्ग की नसीहत हजरत सरी सकती रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं 40 साल तक अल्लाह पाक से ये दुआ करता रहा कि वो मुझे अपना कोई कामिल वली दिखा दे, काश मैं उसके सच्चे आशिक की एक झलक देख लूं। एक मर्तबा मैं लुकाम की पहाड़ियों में था, वहां एक जगह मैंने बहुत से मरीजों को जमा देखा। मैंने उनसे पूछा तुम लोग यहां क्यों जमा हो? उन्होंने कहा महीने में एक मर्तबा यहां अल्लाह पाक के एक नेक बंदे आते हैं, वो हम जैसे मरीजों के लिए दुआ करते हैं और उनकी दुआ की बरकत से मरीज फौरन तंदुरुस्त हो जाते हैं। आज उनके आने का दिन है, बस वो आने वाले ही होंगे। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एक नूरानी चेहरे वाले शख्स हमारी तरफ आए, फिर उन्होंने कुछ पढ़ा और सब मरीजों पर दम किया, फौरन सारे मरीज तंदुरुस्त हो गए। फिर वो मर्दे साले वहां से उठकर वापस जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे हो लिया और अर्ज की अल्लाह पाक के बंदे कुछ देर के लिए ठहर जाए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। वो मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे ए सरी सकती, अल्लाह पाक के अलावा किसी और की तरफ मुतवज्जे ना हो, हर वक्त उसी की याद में मगन रहो, किसी और से उम्मीद ही मत लगाओ, वरना खतरा है कि कहीं तुम उसकी बारगाह में गैर मकबूल ना हो जाओ, लिहाजा उसके अलावा किसी और की तरफ मुतवज्जे ना हो। इतना कहने के बाद वो जिस समत से आए थे उसी तरफ चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाही खातमिन नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ए आशिकाने औलिया, हजरत सरी सकती रहमतुल्लाहि अलैह को उन बुजुर्ग ने कैसी जबरदस्त नसीहत फरमाई कि अल्लाह पाक के अलावा किसी और की तरफ मुतवज्जे ना होना और हर वक्त
उसी की याद में मशगूल रहना, वरना उसकी बारगाह में मकबूल नहीं हो सकोगे। हजरत सरी सकती का तारुफ। शेखुल इस्लाम अबुल हसन हजरत सरी बिन मुगल्लिस सकती रहमतुल्लाही अलैह, हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाही अलैह के मुरीद और हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के उस्ताद और मामू थे। आपका पेशा। आप इब्तिदा में सकत यानी मामूली और छोटी मोटी चीजें बेचते थे, इसी मुनासिबत से आपको सकती कहा जाता है। मनकूल है कि आप माल खरीदते और बेचते थे और हर 10 दीनार के माल पर सिर्फ आधा दीनार नफा रखते थे, इससे ज्यादा नफा अगर कोई देता भी तो नहीं लेते थे। बेटे को पुलिस ने छोड़ दिया। हिकायत। हजरत अबुल हसन सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत बाबरकत में आपकी पड़ोसन ने हाजिर होकर अर्ज की, ऐ अबुल हसन, रात मेरे बेटे को सिपाही पकड़ कर ले गए हैं, शायद वो उसे तकलीफ पहुंचाए, बराए करम मेरे बेटे की सिफारिश फरमा दीजिए या किसी को मेरे साथ भेज दीजिए। पड़ोसन की फरियाद सुनकर आप खड़े होकर खुशू खुजू के साथ नमाज में मशगूल हो गए। जब काफी देर हो गई तो उस औरत ने कहा, ऐ अबुल हसन, जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाकिम मेरे बेटे को कैद में डाल दे। आप नमाज में मशगूल रहे, फिर सलाम फेरने के बाद फरमाया, ऐ अल्लाह पाक की बंदी, मैं तेरा मामला ही तो हल कर रहा हूं। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि उस पड़ोसन की खादिमा आई और कहने लगी, बीबी जी घर चलिए, आपका बेटा घर आ गया है। ये सुनकर वो पड़ोसन बहुत खुश हुई और आपको दुआएं देती हुई वहां से रुखसत हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाहि खातमिन नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। कैदियो चाहो बरात, तुम पढ़ो दिल से नमाज, दूर हो जाएगी आफत, तुम पढ़ो दिल से नमाज। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सब की मगफिरत। हिकायत। एक शख्स आपके जनाजे में शरीक हुआ, रात उसने आपको ख्वाब में देखकर पूछा, मा फअलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला किया। फरमाया, अल्लाह पाक ने मेरी और मेरे जनाजे में शरीक होने वालों की मगफिरत फरमा दी। उस शख्स ने अर्ज की, हुजूर, मैं भी आपके जनाजे में शरीक था। आपने कागज निकालकर उसमें देखा लेकिन उसका नाम नजर ना आया। उसने अर्ज की, हुजूर, मैं यकीनन हाजिर हुआ था। आपने दोबारा नजर की तो उसका नाम हाशिए में लिखा हुआ देखा। रोजाना 1000 नफल। हिकायत। आपने अपनी दुकान में एक पर्दा लगाया हुआ था जिसके पीछे तशरीफ ले जाकर रोजाना 1000 नफल पढ़ते थे। ऐ आशिकाने औलिया, इस हिकायत में उन ताजरों और मुलाजिमों के लिए सीखने का बेहतरीन मदनी फूल मौजूद है जो अपने फारिग औकात खुशगप्पियों, फजूल बातों और मोबाइल के गलत इस्तेमाल मिस यूज में गुजार देते हैं और बाज जमात तो जमात नमाज भी छोड़ देते हैं। अपनी जिंदगी के अनमोल लम्हात बेमकसद कामों में बर्बाद होने से बचाइए और फुर्सत की घड़ियों को गनीमत जानकर जितना हो सके दुरूद पाक, तस्बीहात वगैरह, जिक्रो अस्कार से अपनी जबान को तर रखिए। अगर कुछ पढ़ने के बजाय खामोश रहने को जी चाहे तो उसमें भी सवाब कमाने की सूरतें हैं। मसलन इल्मे दीन की बात में गौर व फिक्र शुरू कर दीजिए या मौत के झटकों, कब्र की तन्हाइयों, उसकी वहशतों और महशर की होलनाकियों की सोच में डूब जाइए। इस तरह वक्त जाया नहीं होगा बल्कि एक एक सांस इबादत में शुमार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाही खातमिन नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ए आशिकाने औलिया, अल्लाह पाक के औलिया किराम का ये तरीका रहा है
कि वो लोगों को वाज़ो नसीहत के जरिए बहुत से मदनी फूल पेश करते रहते हैं। यकीनन इन्हीं नेक हस्तियों ने इस्लामी तालीमात को दुनिया के कोने कोने में आम करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये बुजुर्गान दीन बाज़ औक़ात खुद लोगों के पास जाकर उनकी इस्लाह और तरबियत फरमाते और कभी लोग उनकी सोहबत से फैज पाने के लिए उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनके इरशादात सुनते और अपनी इस्लाह का सामान करते थे। याद रहे अल्लाह वालों के इन अकवाल में कुरान करीम की आयात मुबारका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का खुलासा होता है। उनकी जिंदगी के तजरिबात और मुशाहिदात होते हैं, उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज में वो तासीर होती है कि बेनमाजियों को नमाज की, गाफिलों को बेदारी की, जाहिलों को इल्म की, फासिकों को तकवा की और गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दौलत नसीब हो जाती है। बुजुर्गान दीन के इरशादात की अहमियत से मुताल्लिक हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाही अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को शेख कामिल ना मिले तो वो अहले सुलूक यानी औलिया किराम की किताब का मुताला करे और उस पर चले। महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाही अलैह हजरत ख्वाजा अमीर हसन अला संजरी रहमतुल्लाही अलैह को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मशाइख की किताब और इरशादात जो सुलूक के बाब में फरमाए वो मुताला में रखनी चाहिए। नंबर 3, महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, जब मैं शेखुल इस्लाम ख्वाजा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह के दामन से वाबस्ता हुआ तो मैंने इरादा किया कि जो कुछ आपकी जबान से सुनूंगा वो लिख लिया करूंगा, लिहाजा जो कुछ मैं बाबा फरीद रहमतुल्लाही अलैह से सुनता लिख लिया करता। जब अपनी क़याम गाह पर आता तो किताब में लिख लेता, उसके बाद भी जो कुछ सुनता लिख लेता, हत्ता कि मैंने ये बात बाबा फरीद रहमतुल्लाही अलैह को बता दी। उसके बाद बाबा फरीद रहमतुल्लाही अलैह जब भी कोई हिकायत या इरशाद फरमाते तो मुझे हाजिर होने का हुक्म फरमाते और अगर मैं ताखीर से आता तो वो बात दोबारा दोहरा देते। हजरत सरी सकती रहमतुल्लाही अलैह ने भी वक्तन फवक्तन अपने मुरीदीन और मुतालिकीन को अपनी मजलिस वाद में मुख्तलिफ मौजूआत पर मुतफर्रिक मदनी फूल इरशाद फरमाए हैं। आइए इनमें से आप रहमतुल्लाही अलैह के कुछ फरामीन मुलाहिजा कीजिए। इरशादाते हजरत सरी सकती रहमतुल्लाही अलैह। नंबर 1, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की वो जिंदा जावेद हुआ यानी उसका जिक्र लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा और जिसने दुनिया से मोहब्बत की वो रुसवा हुआ। नंबर 2, बेवकूफ सुबह शाम जिल्लत और रुसवाई से बसर करता है और अकलमंद अपने अयूब तलाश करता रहता है। नंबर 3, आखरत के तलबगार के चंद तरीके, नवाफिल के जरिए अल्लाह पाक का महबूब होना, कुरान पाक की याद से दिल लगाना, अहकाम इलाही पर कायम रहना, अल्लाह पाक के हुक्म को तरजीह देना, उसके देखने से हया करना यानी वो मुझे हर वक्त देख रहा है, उसकी पसंद में पूरी कोशिश लगा देना, थोड़े रिस्क पर राजी रहना, गुमनामी पर कनाअत करना। नंबर 4, ये 5 चीजें जिसमें हों वो बड़ा बहादुर है, अल्लाह पाक के हुक्म पर ऐसी इस्तेकामत जिसमें हेर फेर ना हो, ऐसी कोशिश जिसके साथ भूल ना हो, ऐसी बेदारी जिसके साथ गफलत ना हो, तन्हाई और लोगों के सामने भी ऐसा मुराकबा इलाही यानी अल्लाह पाक की तरफ ऐसी तवज्जो हो जिसके साथ रियाकारी ना हो, और मौत की याद के साथ उसकी तैयारी भी हो। नंबर 5, मैं ऐसा रास्ता जानता हूं जो सीधा जन्नत की तरफ ले जाए। पूछा गया, अबुल हसन वो कौन सा रास्ता है?
फरमाया तुम इबादत का रुख करो और सिर्फ उसी में लगे रहो हत्ता कि तुम्हें इसके अलावा कोई काम ना रहे। नंबर सिक्स, वो दूर हुआ जो अल्लाह पाक से दो चीजों की वजह से दूर हुआ, और वो करीब हुआ जो अल्लाह पाक से चार चीजों की वजह से करीब हुआ। जो दो चीजों की वजह से अल्लाह पाक से दूर हुआ वो दो चीजें ये है, फर्ज को जाया करके नफल में पढ़ना, जाहिरी आजा का ऐसा अमल जिस पर दिल की सच्चाई ना हो, और वो चार चीजें जिनके सबब अल्लाह पाक के करीब होते हैं वो ये है, अल्लाह पाक के दर को लाजिम पकड़ना, इबादत पर कमर बस्ता रहना, तकालीफ पर सब्र करना और अपनी बड़ाई बयान करने से बचना। नंबर सेवन, जो अल्लाह पाक से मुनाजात में मशगूल होता है अल्लाह पाक उसे अपने जिक्र की मिठास और शैतानी वसवसों की कड़वाहट अता फरमाता है। नंबर एट, पांच अशिया सबसे बेहतरीन हैं, गुनाहों पर रोना, ऐबों की इसलाह करना, बहुत गैब जानने वाले परवरदिगार की इताअत करना, दिलों से जंग दूर करना और अपनी ख्वाहिशात को खुद पर सवार ना करना, यानी ख्वाहिशात की पैरवी से बचना। नंबर नाइन, पांच चीजें ऐसी हैं जिनके होते हुए दिल में दूसरी कोई चीज नहीं ठहरती, अल्लाह पाक ही का खौफ रखना, अल्लाह पाक से ही उम्मीद रखना, अल्लाह पाक ही से मोहब्बत रखना, अल्लाह पाक से ही हया करना, अल्लाह पाक से ही उनसियत यानी मोहब्बत रखना। नंबर टेन, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह बयान करते हैं कि हजरत सरी सकती रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, मैंने देखा है कि फवाइद रात की तारीकी में इबादत करने से जाहिर होते हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह जब मुझे फायदा पहुंचाने चाहते तो मुझसे सवाल करते। एक दिन मुझसे फरमाया, शुक्र क्या है? मैंने कहा, नेमत में नाफरमानी ना की जाए। फरमाया, तुमने बहुत अच्छी बात कही और बेहतरीन जवाब दिया। 11, सब्र का माना यह है कि तू जमीन की तरह हो जाए जो पहाड़ों और आदमियों को उठाए हुए है, और जमीन इस बोझ का ना इनकार करती है और ना इसे मुसीबत समझती है, बल्कि इसे अपने मौला की नेमत और अतिया कहती है। 12, ना लोगों के लिए कोई अमल करो, ना उनके लिए कुछ छोड़ो और ना उनके लिए कोई चीज खोलो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, इनके इस फरमान से मुराद ये है कि तुम्हारे आमाल सब के सब अल्लाह पाक के लिए हों। 13, मुझे इस पर हैरत है कि जो सुबह शाम नफे की तलाश में जाता है लेकिन अपने नफ्स के बारे में कभी नफा नहीं उठाता। 14, नफ्स की इसलाह की मसरूफियत ऐसी है जो लोगों से तवज्जो हटा देती है। 15, सबसे बड़ी ताकत यह है कि तू अपने नफ्स पर काबू कर ले। जो अपने नफ्स की इसलाह ना कर सके वो दूसरों की इसलाह भी नहीं कर सकेगा। 16, जो अपने से ऊपर वाले की इताअत करता है तो नीचे वाला भी उसकी इताअत करता है। 17, अपने भाई से शक की बुनियाद पर कता ताल्लुक ना करो और उसे राजी रखो। अल्लाह पाक की पहचान की अलामत यह है कि अल्लाह के हुकूक को अदा करना और जहां तक हो सके उसे अपनी जात पर तरजीह देना। 18, आदमी उस वक्त तक काबिल तारीफ नहीं होता जब तक वो अपने दीन को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह ना दे, और उस वक्त तक हलाक नहीं होता जब तक अपनी ख्वाहिश को अपने दीन पर तरजीह ना दे। 19, पांच बातों के सिवा सारी दुनिया फजूल है, रोटी जो पेट भरे, पानी जो प्यास बुझाए, कपड़ा जो सत्र यानी शर्मगाह छुपाए, घर जिसमें बंदा रहे और इल्मे दीन जिसे वो इस्तेमाल करे। 20,
मखलूक से कुछ न तलब करते हुए दुनिया से नफरत करने का नाम जोहद है। 21. दुनिया की तरफ माइल ना होना, वरना अल्लाह पाक की जानिब से जो रस्सी है वो मुनकते हो जाएगी और जमीन पर अकड़ कर ना चलना, अनकरीब जमीन ही तेरी कब्र होगी। 22. वो धोखे में है जिसने अपनी जिंदगी के अय्याम टाल मटोल में गुजारे, और वो भी धोखे में है जो सालिहीन के मकाम की तमन्ना करे लेकिन कोशिश बिल्कुल ना करे। 23. बंदे का ईमान उस वक्त कामिल नहीं होता जब तक उसमें तीन खसलतें ना हो, जब वो गुस्से में हो तो उसका गुस्सा उसको हक बात से ना निकाले, जब राजी हो तो उसकी खुशी उसको किसी गुनाह के काम में दाखिल ना करे, जब कोई ताकतवर हो तो वो माल ना ले जो उसका नहीं। 24. खौफे खुदा रखने वाले के 10 मकामात हैं। गम तारी रहना, रंजो गम का गलबा, बेचैन कर देने वाला खौफ, ज्यादा रोना, रात दिन गिड़गिड़ाना, राहत और आराम की जगहों से दूर भागना, बेकरारी की कसरत, दिल का डरना, जिंदगी बेकैफ होना, गम को छुपाकर उसकी हिफाजत करना। 25. काश सारे आलम के दुख मुझे मिल जाते ताकि तमाम लोगों को गमों से रिहाई हासिल हो जाती। 26. लोग जितना अपनी औलाद पर शफकत करते हैं उतनी शफकत अगर अपनी जानों पर करते तो उन्हें अपने अंजाम में खुशी मिलती। 27. उस बात से बचो कि तुम्हारी तारीफ फैली हो और ऐब छुपे हों। 28. हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह बयान करते हैं कि हजरत सरी सकती रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, मैं ऐसा मुख्तसर रास्ता जानता हूं जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाए। मैंने कहा, वो कौन सा रास्ता है? फरमाया, न तुम किसी से कुछ लो, न किसी से कुछ मांगो, और न तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ हो। 29. चार चीजें बंदे को बुलंद करती हैं, इल्म, अदब, पाक दामनी और अमानत। 30. जो शख्स अपने बातिनी इल्म का दावा करे, जो जाहिरी शरई हुक्म को तोड़ता हो तो वो गलती करने वाला है। 31. जो अल्लाह पाक के मुकर्रब हों उनके दिल तकदीर इलाही में फिक्रमंद रहते हैं, जबकि आम नेक लोगों के दिल खात्मे में लगे रहते हैं। आम नेक लोग कहते हैं कि हमारा खात्मा कैसा होगा, और मुकर्रबीन यानी अल्लाह पाक का कुर्ब पाने वाले कहते हैं, मालूम नहीं अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या फैसला फरमाया हुआ है। 32. अमल में खुलूस रखना यहां तक कि अमल खालिस हो जाए, यह अमल से भी ज्यादा सख्त है, और अमल खालिस होने के बाद उसे बचाना अमल से भी ज्यादा सख्त है। 33. अमल को आफात से बचाना अमल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। 34. दोस्त बनाओ मगर उन्हें राजदार ना बनाओ, बुरे दोस्तों से बचो, और जिस तरह अपने दुश्मन के मुतालिक अंदेशा रखते हो इसी तरह दोस्त के बारे में रखो। 35. जो नेकियों में टाल मटोल से काम लेता है कयामत के दिन उसे बहुत हसरत होगी। 36. हजरत सरी सकती रहमतुल्लाही अलैह से पूछा गया, भूखा रहने वालों को भूख से क्या मिलता है? फरमाया, पेट भरने वालों को पेट भरने से क्या मिलता है? भूख वालों को भूखा रहने से हिकमत मिलती है, और पेट भरने वालों को पेट भरने से बदहजमी का सामना होता है। 37. तीन चीजें नेक लोगों के अखलाक में से हैं, फराइज की बजा आवरी, हराम कामों से बचना, और गफलत ना करना। 38. तीन चीजें नेक लोगों के अखलाक में से ऐसी हैं जिनसे बंदा अल्लाह पाक की रिजा तक पहुंच जाता है, इस्तिग़फ़ार की कसरत, आजज़ी व इनकिसारी, और
सदकात की कसरत। 39, जो नेमतों की कदर नहीं जानता उसे नेमतें छीन ली जाती हैं और उसे पता भी नहीं चलता। सब्र करते करते जिस पर मसाइब हल्के हो जाते हैं वो अपना सवाब जमा कर लेता है। 40, अपनी मोहताजी अल्लाह पाक के सिपुर्द कर दो, वो तुम्हें लोगों से बेपरवाह कर देगा। 41, अखलाक व आदात अकल के तर्जुमान हैं, तेरी जबान तेरे दिल की तर्जुमान है और तेरा चेहरा तेरे दिल का आईना है, क्योंकि जो दिल में छुपा होता है वो चेहरे से जाहिर हो जाता है। 42, दिल तीन तरह के हैं, पहाड़ की तरह मजबूत जिसे कोई शे हटा नहीं सकती, खजूर के दरख्त की तरह जिसकी जड़ जमीन पे कायम है और हवा उसे हिलाती रहती है, पर की तरह जिसे हवा इधर उधर फेंकती रहती है। 43, बेहतरीन रिस्क वो है जो पांच चीजों से महफूज हो, कमाने में गुनाहों से, जिल्लत उठाकर और गिड़गिड़ाकर मांगने से, अपने पेशे में धोखा दही से, आलाते गुनाह के पैसों से और हक तलफी के मामले से। 44, शुबे वाली चीजों को छोड़ने वाला ही शहवतों यानी बुरी ख्वाहिशों से बचने की ताकत रख सकता है। 45, जो भी मेरा जिक्र बुराई के साथ करे मैं उसे मुआफ करता हूं, अलबत्ता मैं उसे मुआफ नहीं करूंगा जो जानबूझकर मेरे मुतालिक कोई बात कहे जबकि वो जानता भी हो मेरा अमल इसके खिलाफ है। 46, ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके कौलो फेल में तजाद यानी फर्क नहीं होता। 47, जो शख्स नेमत की कदर नहीं करता उसको ऐसा जवाल आएगा कि उसको खबर भी नहीं होगी। 48, हया और उन्स यानी मोहब्बत दिल के दरवाजे पर आते हैं, अगर दिल में जोहद और परहेजगारी को मौजूद पाते हैं तो ठहर जाते हैं वरना लौट जाते हैं। 49, समझदार वो है जो कुरान पाक के असरार को समझता हो और उसमें गौर व फिक्र करता हो। 50, जो शख्स मखलूक में खुद को ऐसा जाहिर करे जैसा वो नहीं है तो वो अल्लाह पाक की नजर से गिर जाता है। 51, ताकतवर वो है जो अपने नफ्स पर काबू पा ले। 52, ताकतवर वो है जो अपने गुस्से पर गालिब आ जाए। 53, गुनाह से बचने के तीन असबाब हैं, दोजख के खौफ की वजह से, जन्नत के शौक की वजह से, अल्लाह पाक से हया की वजह से। 54, जो अल्लाह पाक का फरमा बरदार होता है तो सारी दुनिया उसकी फरमा बरदार बन जाती है। 55, लोगों को तकलीफ पहुंचाने के बजाय उनकी तरफ से मिलने वाली तकलीफ पर सब्र करना अच्छा अखलाक है। 56, इबादात को ख्वाहिशात पर तरजीह देने से इंसान बुलंदी पा लेता है। 57, आप रहमतुल्लाह अलैह ने बवक्त वफात हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि मखलूक में रहते हुए खालिक से गाफिल ना होना। अपनी मोहताजी अल्लाह पाक के सिपुर्द कर दो, वो तुम्हें लोगों से बेपरवाह कर देगा। जो नेकियों में टाल मटोल से काम लेता है कयामत के दिन उसे बहुत हसरत होगी। जो अल्लाह पाक का फरमा बरदार होता है तो सारी दुनिया उसकी फरमा बरदार बन जाती है।